एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद में, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन है। सेकंड है असिस्टेंट प्रोफेसर की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यहाँ पर भी दो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी पोस्ट हैं, क्या सैलरी मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी करियर रिलेटेड है वो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 18 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, 5 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आप देख सकते हैं जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है। 11th नंबर पे है ये, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। 2 पोस्ट है यहाँ पर, एक है फार्मास्यूटिक्स की और एक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो आप बात कर लेते हैं इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो डायरेक्टली जंप करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज टू फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी and M Pharmacy degree in the specialization of pharmaceutics with minimum 55% marks। तो आपके पास बेसिक फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए प्लस M Pharm होना चाहिए आपका स्पेशलाइजेशन में। जैसे यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स है वैकेंसी है तो आपको पास फार्मास्यूटिक्स में M Pharm होना चाहिए और होना चाहिए आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। डिज़ायरेबल मतलब यहाँ पर जिनके पास यदि ये मिलेंगी डिग्री होंगी तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फर्स्ट इज यदि आपके पास PhD है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीचिंग रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तब भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और आपके पास यदि रिसर्च वर्क है पब्लिश जो कि नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में और आपने कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है नेशनल इंटरनेशनल तो वो यहाँ पर आप सबमिट करें, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकेंड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेसिक एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी एंड M Pharmacy डिग्री इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स। सेकेंड, ये यहाँ पर आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मासिस्ट का वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो जिनके पास PhD, टीचिंग रिसर्च, पब्लिश रिसर्च वर्क और कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया हो या पेपर कोई प्रेजेंट किया हो तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी डिग्री हो गई, आपके रिसर्च पेपर हो गए, आपका जो भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिला हो या आपने कहीं पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट है, टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका, तो वो सब सर्टिफिकेट आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। और 4 कॉपीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 सेट ऑफ प्रिंट आउट्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय देम, ये आपको सेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ये एड्रेस दिया हुआ है। बिफोर 22/12/2023 4 बजे से पहले आपको वहाँ पर पहुँचाना है। और इसमें फ़ी की बात कर लेते हैं कि कितनी एग्ज़ाम फ़ी है, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है। तो यहाँ पर मेंशन है जो जनरल OBC के कैंडिडेट हैं, EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2000 रुपये और 1000 रुपये है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, जैसे SC ST फिजिकली हैंडीकेप के लिए 1000 रुपये है। सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन है, एक ही वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। यदि आपके पास B Pharm है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड है मास्टर डिग्री, यदि आपके पास मास्टर डिग्री है M Pharmacy, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में तो आप एज अ फ्रेशर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा केमिकल एनालिसिस, लेबोरेटरी एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल यूजिंग LCMS। तो आपको टोटली LCMS पे वर्क करना, यदि जो कैंडिडेट LCMS पे वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो 31,000 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ विदाउट एनी अलाउंसेस, मतलब यहाँ पर आपको HRA नहीं मिलेगा। आपको जो टोटल सैलरी मिलेगी वो 31,000 पर मंथ मिलेगी। ये प्रोजेक्ट अप टू 28/12/2024 तक है, तो लगभग 1 साल का ही प्रोजेक्ट है ये। ICMR NIN हैदराबाद, डेट 5 दिसंबर 2023 को इसका इंटरव्यू होना है, तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल ICMR NIN हैदराबाद। इसमें आपने जो भी आपकी डिग्री है, आपकी 10, 12 वगैरह जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो प्रिंट आउट भी लेके जाएं और ओरिजिनल भी लेके जाएं, क्योंकि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।